तो भारतीय वायुसेना प्रमुख के पद से बीएस धनोहा ने रिटायरमेंट ले लिया और इनकी जगह एयर मार्शल आरके सिंह भदौरिया ने पदभार संभाला है। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल आरके एस भदौरिया को वायुसेना अध्यक्ष चुना था, उन्होंने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोहा की जगह ली है। एयर मार्शल भदौरिया भी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो वायुसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो माना जा रहा है कि अगले 2 साल तक वो इस पद पर रहेंगे। तो एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 22 जुलाई को फ्रांस में ट्रायल के तौर पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और विमान की जांच भी की थी। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि राफेल देश की सेना के लिए बेहद अहम है।